याद रखना मेरी माँ, आपके मुख से ही अमृत टपकता है और आपके मुख से ही अंगार टपकते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात। बातों से हाथी दान में मिल जाता है और बातें बिगड़ जाएं तो वही बातों के कारण हाथी के पांव के नीचे राजा लोग दबा देते हैं। ये गलत बोलता है, इसको हाथी के पांव में दबाओ। कागा कागा काको धन हरे कोयल काको दे कागा काको धन हरे कोयल काको दे मीठा बचन सुनाए के जग अपनों कर ले। बताओ कौआ किसके घर चोरी करता है? कौआ किसके घर चोरी करता है? पर कौआ आपके छत पर बैठ के काव काव करे तो आप उड़ा देते हैं, चल काव काव करता है। और कोयल आपके घर में बैठ के यदि बोले तो आप ध्यान से सुनते हैं। कौआ भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, पर कौआ की आवाज पसंद नहीं है, कोयल की आवाज पसंद है। मेरी माँ, शब्दों में जान होती है, शब्दों में जान होती है। यदि शब्दों में जान ना होती तो शब्दों को सुन के आंखों में आंसू कैसे आते मेरी माँ? हाँ, शब्दों में जान होती है मेरी माँ, इसलिए कहता हूं शब्दों को समझा करो और शब्दों को समझ समझ कर बोला करो, कुछ भी ना बोला करो। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसान की इंसान से पहचान होती है। हमें क्या पता कि आप कैसे हैं, आपके शब्द ही तो आपका परिचय कराएंगे ना, आपकी वार्ता आपकी वाणी ही तो आपका परिचय कराएगी। अरे हम मंदिर में गाते हैं मात पिता तुम मेरे शरण गहू किसकी, ये शब्द ही तो हैं। कई बार हम देखो कथा सुनाते हैं आपको और कथा शब्द ही तो है, इन शब्दों को जब आप सुनते हैं तो कई बार आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपके हृदय को पिघलाने की ताकत होती है मेरी माँ शब्दों में, आपका आकार बदलने की ताकत होती है शब्दों में। अरे आकार बदलने की ताकत ना होती तो कथा सुनने के पहले आप कुछ और थे, कथा सुनने के बाद आप कुछ और हो गए, आपका तो आकार बदल गया, जीवन बदल गया। कहां से बदला? शब्दों से बदला। इसलिए प्रार्थना है शब्दों को संभाल के बोला करो, शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसान की इंसान को पहचान होती है, इंसान की पहचान इन्हीं से होती है। कौआ किसी के घर चोरी नहीं करता पर उसकी कोई नहीं सुनता, कोयल किसी को सोना चांदी नहीं देती पर सब सुनते हैं, क्योंकि बात मिठास की है, सुंदर गला है, सुंदर बात है, सब सुने, सुंदर हो बस। यहां मिठास होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए। बड़े बड़े संत साधु कह गए हैं कि शब्द से आग भी लगती है और शब्द से बाग भी लगता है। बाग लगाना है, अच्छे शब्द बोलने से बाग लगते हैं और गलत शब्द बोलने से घरों में। मंथरा ने ऐसे शब्द कहे, कैकई ने ऐसे शब्द कहे कि पूरी अयोध्या में आग लग गई। ऐसे शब्द कहे, अरे शब्दों ने ही तो आग लगाई। हाँ, और शब्दों ने बाग लगा दिए, वाह। आप चाहो तो बिछड़े हुए को मिला सकते हो, रूठे हुए को मना सकते हो, रोते को हंसा सकते हो, शब्दों में बड़ी जान होती है। आप अपने अंदर से निकले हुए शब्दों की कीमत पहचानो मेरी माँ। और मैं पहले कह चुका हूं फिर दोहरा दूं,
सस्ते शब्द का प्रयोग ना किया करो, महंगे शब्द बोला करो। आप साड़ी पहनती हो तो महंगी पहनती हो, सूट पहनती हो तो महंगे पहनती हो, आपको हर चीज महंगी चाहिए तो फिर शब्द सस्ते वाले क्यों? शब्द भी महंगे हो, अच्छी भाषा हो, सुनने में अच्छी लगे, हम कमरे में आपसे बात करें पर तीसरा चुपचाप सुन रहा हो तो उसे भी अच्छा ही लगना चाहिए। वाह, अच्छी बातें हो, अच्छे शब्द हो। आज बांसुरी शब्द निकालती है, सब सुनते हैं, ये प्रेम है मेरी माँ, इसलिए बोला करो तो बोलो। यदि तुम पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। दुकान की शटर खुलती शटर खुलती है तो पता लगता है कि दुकान कोयले की है कि हीरे की। उसी प्रकार वाणी खुलती है, वाणी जब निकलती है तो पता चलता है कि आप के संस्कार कैसे हैं। आप सज्जन हो या दुष्ट हो ये शकल से पता नहीं चलेगा, आपकी वाणी से पता चलेगा कि आप सज्जन व्यक्ति हैं या दुष्ट व्यक्ति। आपकी पहचान कहां से? मेरी मां, एक लड़की का विवाह हुआ, उसके पति ने 3 बार कह दिया तलाक तलाक तलाक। ये शब्द ही तो था, तलाक एक शब्द ही तो है, वाणी से तो निकल रहा है ना, लेकिन इस 3 बार के कहे हुए तलाक से एक लड़की का जीवन सदा सदा के लिए दुख के सागर में डूब जाता है। ये शब्द ही तो था। क्या था? शब्द ही था। और कोई ये कह दे मेरी माँ यहाँ रोती हुई आती हैं, और जब उन्हें हम ये कह देते हैं माँ अब मैं तेरा बेटा हूँ और तू जीवन भर माँ अब यहीं रहना, आप यहीं रहना, आपकी सेवा ये दास करेगा, तो माताएं सारा दुख भूल कर हमें हृदय से लगाकर रोने लगती हैं, खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। ये भी एक शब्द है। एक शब्द ये है तलाक तलाक तलाक, जो एक लड़की को एक स्त्री को जीवन भर दुख के सागर में डुबा देता है। और एक ये भी एक शब्द है कि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हें अकेलापन महसूस करने की जरूरत नहीं है, मैं जीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा, ये भी एक शब्द है। इस शब्द से सारा दुख समाप्त तो हो जाता है। कौन सा शब्द आपको बोलना है निर्णय आपका है, किन शब्दों का प्रयोग करना है निर्णय आपका है। मेरी माँ, दुख के सागर में डुबाने वाले शब्द बोलना है या हृदय से लगाने वाले दुख को समाप्त करने वाले शब्द आपको बोलने हैं। दुश्मन को भी गलत शब्दों का प्रयोग ना किया करो, गलत ना बोला करो, मत बोलो किसी को। इसलिए हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा मौन रहा करो, कम बोला करो, चुप रहा करो, जितना जरूरी है उतना बोला करो, व्यर्थ का बक बक ना किया करो, भगवत चिंतन किया करो, वेस्ट ना करो अपनी एनर्जी अपनी ताकत, वह शक्ति भगवान में खर्च करो।